दुनिया हंसने लगी, देश बदनाम हुआ। कैसा एक खतरे का पहर है, आज हवाओं में भी जहर है। कहीं भी देखो बात यही है, हाय भयानक रात यही है। मौत के साए में हर घर है, कब क्या होगा किसे खबर है। बंद है खिड़की बंद है द्वारे, बैठे हैं सब डर के मारे। क्या होगा इन बेचारों का, क्या होगा इन लाचारों का। इनका सब कुछ खो सकता है, इन पे हमला हो सकता है। कोई रक्षक नजर न आता, सोया है आकाश पे दाता। ये क्या हाल हुआ अपने संसार का, निकल रहा है आज जनाजा प्यार का। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी का। हम होंगे आओ अरे आज मिलकर ये समस्याएं सभी, तो इस प्रकार अभी समाज के इस विषमताओं को प्रस्तुत किया नरेश जी ने। अब इस हमारी संख्या लगभग पूरी हो रही है, कई सारे जो विशेष लोग हैं, आचार्य सत्य जी हैं है, और हमारे प्रधान जुड़ना है, तो इसकी लिमिट 100 लोगों की है। लगभग 96 लोग जुड़ गए हैं। अब तो जो हमारे अपने विद्यार्थी हैं गुरुकुल के, वो निकल जाएंगे। ठीक है, अग्रिमा नरेश जी आगे प्रारंभ करें। इसी क्रम में अब मैं आप सभी के समक्ष श्रुति त्रिपाठी एक लघु बालिका है, गायत्री मंत्र के लिए इनको मैं निवेदन करूंगा। इनके परिचय के लिए मैं बताना चाहूंगा, श्रुति त्रिपाठी हरिमंगल त्रिपाठी जी के की सुपुत्री है। वे निरंतर गुरुकुल परिवार के साथ जुड़कर आर्य समाज एवं राष्ट्र सेवा में संलग्न है। पूर्व में वैदिक विचारधारा से आपका विशेष संबंध नहीं था, परंतु आचार्य जी के संपर्क में आने से आप पूर्ण रूप से वैदिक विचारधारा के अनुकूल हैं। आपके घर नित्य हवन संध्या होती है, आपका पूर्ण परिवार वैदिक विचारों का अनुगामी है और ऋषि मिशन तथा आर्य समाज के प्रचार प्रसार एवं कार्य हेतु आप सदैव तत्पर रहते हैं। तो मैं श्रुति त्रिपाठी जी को निवेदन करूंगा कि वे गायत्री मंत्र के माध्यम से हम सभी को संदेह। श्रुति त्रिपाठी जी आप सभी आगे जनों को मेरा सादर नमस्ते जी। मैं सुचेता और मैं श्रुति आर्य आज आपके सामने गायत्री मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात हे प्राणदाता, दुःखकर्ता, सर्वव्यापक, आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस पूजनीयतम पापनाशक स्वरूप के ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों को प्रकाशित करता है। हे पिता, आपसे हमारी बुद्धियों ना हो, आप हमारी बुद्धियों में सदा प्रकाशित रहें और हमारी बुद्धियों को सत्कर्मों में सदा प्रेरित करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद। हाँ, प्रारब्ध काम अग्रिम समाप्तमस्ति। रोहन कुमार जी ओम धन्यवाद। हाँ,
अग्रिम कार्यक्रम के लिए। रघुनंदन जी अग्रिम के लिए प्यार विदान। ओम ओम अग्रिम वक्तव्य जैसा कि आप सभी को विदित है मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय आचार्य जी हम सभी के समक्ष उपस्थित हैं। ओम। उससे पूर्व हमारी कुछ उद्घोषणाएं थी जिससे इस कार्यक्रम के संबंध में मैं एक बार सभी को स्मरण कराना चाहूंगा। एक तो ये जो कार्यक्रम आज का आयोजित किया गया है ये आर्यवीर दल पंजाब प्रांत और गुरुकुल करतारपुर के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है और आज के कार्यक्रम के संदर्भ में जो यज्ञ का वैज्ञानिक आधार जो विषय है इस संबंध में यदि किसी का भी कोई प्रश्न कोई शंका यदि है तो वे अपनी शंका को अपने प्रश्नों को चैट बॉक्स में जरूर लिखें। कार्यक्रम के अंत में आचार्य जी द्वारा उनका समाधान किया जाएगा। अब मैं आगे के कार्यक्रम के लिए आचार्य जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। सभी को आवाज सुनाई दे रही है। हाँ नरेश जी बताएंगे कोई ध्वनि सुनिए थे महोदय आप शुरू थे आचार्य जी। सब विद्यार्थीगण कृपया एक बार हम सब लोग बहुत गंभीरता पूर्वक अपने स्थान पर बैठे हुए पवित्र गायत्री मंत्र का 3 बार पाठ करेंगे मेरे साथ मिलकर के स्वर में स्वर को मिला करके पूर्ण रूप से भावना के साथ में पूर्ण मणि योग के साथ में एक ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करते हुए अनुभूति करते हुए इस चर्चा को हम प्रारंभ करेंगे। तो आइए मेरे साथ में सर्वप्रथम 3 बार पवित्र गायत्री मंत्र। अपने माइक को बंद रखें सभी अपने माइक को बंद रखें। आर्या जी सभी बंद करें माइक को। आप मानसिक जाप करेंगे अपने कमरे पर अपने स्थिति में बैठे हुए हैं आप उसमें ध्यान करें आप क्योंकि ये कार्यक्रम वेबिनार है हम लोग अलग अलग बैठे हुए हैं तो स्वर हमारा एक नहीं हो पाएगा इसलिए आप इसका ध्यान देंगे। मन स्थिति से मनोयोग पूर्वक हम वहीं बैठे हुए मेरे साथ मनी मन इस मंत्र को गुनगुनाएंगे। पुनः एक बार प्रयास करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सम्माननीय आज के इस कार्यक्रम में समुपस्थित इस वेबिनार के माध्यम से मेरे सामने समुपस्थित वंदनीय मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों प्रिय विद्यार्थियों हम सब लोग लगभग 90 के आसपास में जुड़े हैं और ये मैं बड़ा दुखी हूँ इस बात को लेकर के कि हमें इसका थोड़ा सा पूर्व ज्ञान नहीं था कि इसकी संख्या 100 है इसलिए हम बहुत सारे लोगों को जोड़ नहीं पा रहे हैं ये हमें कष्ट हो रहा है हम उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं और भविष्य में इसका विशेष ध्यान देंगे जिससे कि सभी लोग हमारे साथ में जुड़ सकें।
फिर भी जो हमारे मुख्य मुख्य लोग अभी आने वाले हैं बीच बीच में, वो लोग जुड़ सके, इसके लिए हमारे अपने लोग हैं जो गुरुकुल के विद्यार्थीगण है, वो कृपया अपने आप रिमूव हो जाएंगे। आज की चर्चा का विषय पूर्व निर्धारित है, आप सब लोग उसके लिए कितनी मानसिक तैयारी से बैठे हैं ये मुझे पता नहीं है, परंतु हाँ मैं पूर्ण रूप से मानसिक योजना के साथ में इस संदर्भ में चर्चा के लिए बैठा हूँ। बंधुओं, अभी जो गीत गाया नरेश जी ने, उस गीत को देख करके बहुत सारी बातें, पूरा उसका दृश्य हमारे मुख के सामने उतर रहा था कि वास्तव में देश की हालात किस प्रकार के हो गए, हूबहू कवि ने लिखा है और जो वर्तमान में घटित हो रहा है हम उसको देख रहे हैं। परंतु एक आशा की ओर हमने आगे बढ़ना है और आशा से ही हमारा कार्य आगे बढ़ेगा, तो आशावान बनते हुए हम किन किन प्रकार की समस्याओं का समाधान अपने स्तर से कर सकते हैं, लोगों को कोसने से, सरकार को गालियां निकालने से, प्रशासन को कमियां निकालने से समाज का बहुत बड़ा उद्धार या हम सबका उद्धार नहीं हो सकता है, अभी तो अपने स्तर से हम लोग किस प्रकार का परिवर्तन समाज में कर सकते हैं ये हमें चर्चा करनी चाहिए, और वो सार्थक चर्चा में कहता हूँ। हमने आज का जो विषय निर्धारित किया है यज्ञ के वैज्ञानिक पद्धति की चर्चा को रख करके समाज के बीच में इसको सही रूप को प्रस्तुत करना। बंधुओं, पहले तो यह है कि जो पूजा पद्धति हमारे देश में विकसित हुई, वो पूजा पद्धतियों में बार बार विकृति आती है, विकृति उसमें बिगाड़पन का स्वरूप आ गया, सूक्ष्म रूप आ गया। जब भगवान राम के जीवन को हम देखते हैं तो वहां देखते हैं यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान राम पहुंचते हैं, फिर श्री कृष्ण का समय देखते हैं वहां पर भी यज्ञ की बात होती, निरंतर निरंतर हम यज्ञ की बात चर्चा करते करते वर्तमान जो हम देखते हैं तो बहुत सारे यज्ञ के विकृत रूप हमारे बीच में है। हम उनको एक प्रकार से यज्ञ भी कह सकते हैं परंतु पूर्ण रूप से वो यज्ञ नहीं है, पर हाँ एक यज्ञ का सूक्ष्म रूप हम कहेंगे, जैसे दीपक जलाना, जैसे अगरबत्ती जलाना, धूप जलाना, धुआं देना, इस प्रकार से कई सारे प्रकल्प हमारे बीच में हैं, और ये हमें कई बार ये मठों में, मंदिरों में, मजारों पर भी कई बार ये दिख जाता है, मिल जाता है। आज का जो हमने जो विषय तय किया है कि विज्ञान के विषय में इसकी चर्चा करें हम लोग, उससे पूर्व हमें ऋषि के एक वाक्य को याद करना पड़ेगा। ऋषि का तात्पर्य मेरा है महर्षि दयानंद सरस्वती। हम जब शब्द प्रयोग करते हैं ऋषि, तो मतलब स्वतः हम ऋषि ध्यान का ही अर्थ उसका ग्रहण करेंगे, अन्य ऋषि का ग्रहण नहीं करेंगे, या हम स्वामी शब्द प्रयोग करेंगे तब भी उसका ग्रहण केवल मात्र ऋषि ध्यान का ही ग्रहण होगा और किसी का ग्रहण नहीं होगा स्वामी और ऋषि शब्द से। तो ऋषि का इसमें वाक्य क्या है वो हम सबके लिए आज के संदर्भ में बड़ा आवश्यक है। ऋषि कहते हैं जो मनुष्य प्रातः व सायंकाल यज्ञ नहीं करता है, अग्निहोत्र नहीं करता है, वह पाप का भागी है। बहुत बड़े पाप की बात कर रहे हैं, बहुत बड़े प्रायश्चित की बात कर रहे हैं ऋषि, और कहते हैं वो मनुष्य निरंतर पाप में प्रयत्नशील है, लगा हुआ है। अगर मनुष्य प्रातः व सायंकाल यज्ञ नहीं करता है, यज्ञ का स्वरूप इतनी बड़ी महत्ता बता दी कि पाप के साथ उसको जोड़ दिया गया, अगर मनुष्य यज्ञ नहीं करेगा तो बहुत बड़ा पाप का भागी बन जाएगा उसमें। अब आप देखिए यज्ञ के पाप से बचने के लिए, जैसे प्रातः काल अगर मैंने कोई मल मूत्र आदि के माध्यम से समाज में प्रदूषण किया है, वास्तव कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, प्रतिपल कर रहे हैं, अपने अंगों से कर रहे हैं, अपने वाहनों से कर रहे हैं, समाज को प्रदूषण करने वाला कार्य हमारे द्वारा हो रहा है, परंतु किस पल कितने मिनट हमने उस समाज को प्रदूषण से मुक्त करने का कार्य किया, ये एक चिंता वाला विषय। तो पाप का भागी मनुष्य क्यों है? इसलिए क्योंकि मनुष्य अपनी इंद्रियों से प्रदूषण फैलाता है और वो निरंतर फैला रहा, उसकी प्रवृत्ति है। और एक और बात ध्यान देंगे, जितने पशु पक्षियां हैं उनके मल मूत्र से प्रदूषण नहीं होता है, गाय का गोबर है, भैंस का गोबर है, मूत्र आदि है, उनसे प्रदूषण नहीं हो रहा है, परंतु मनुष्य का इस प्रकार का स्वरूप बना हुआ है मल मूत्र का, जिसका कहीं पर भी प्रयोग नहीं है, किसी रूप में प्रयोग नहीं है, इसलिए मनुष्य के द्वारा ही प्रदूषण
बढ़ने की अधिक संभावना है। गाय चल रही है, जा रही है, आग रही है, भाग रही है, उससे कोई प्रदूषण नहीं। गाय है, शेर है, चीता, पशु पक्षी आदि है, परंतु मनुष्य के द्वारा जो वाहन बना लिए गए वो उनके द्वारा निरंतर प्रतिपल प्रदूषण फैल रहा है। इसलिए मनुष्य पाप का भागी है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं आप दुनिया भर की सारी पूजा पद्धति करते हैं परंतु यज्ञ नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ा पाप के भागी आप बन जाते हैं। बहुत सारे मत मजहब संप्रदाय हमारे देश में फैले हैं और निरंतर वो आगे बढ़ रहे हैं। हम उनके यहाँ पूजा पद्धति के रूप में यज्ञ को नहीं देखते हैं और बहुत सारी पूजा जो पद्धतियां उनको अपना रहे हैं, परंतु यहाँ फिर वही बात बोल रहा हूँ ऋषि के शब्दों में, वेद के शब्दों में, जो यज्ञ नहीं करता वो पाप का भागी बनता है। क्योंकि यज्ञ के अलावा और कोई पूजा पद्धति प्रदूषण को निवारण करने में भूमिका नहीं है। अब हाँ, एक प्रश्न पैदा होता, आप ये कह सकते हैं हमारे साथ बहुत सारी बालिकाएं हैं, मैडम हैं, बहुत सारी जो बहुत अच्छी पढ़े लिखे हैं, आप लोग साइंटिस्ट के विषय में काम करते हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं जो ये कह सकते हैं नहीं नहीं ऑक्सीजन तो प्रदूषण तो हरियाली से दूर हो जाएगा, वृक्षारोपण करना चाहिए। तो मेरा प्रश्न ये रहा कि मुंबई आदि शहरों में क्या वृक्षारोपण हो सकता है क्या? मेरे घर के अंदर वृक्षारोपण हो सकता है क्या? मैंने ऐसे से घर देखे मुंबई के अंदर जहां पूरे साल भर कमरे के अंदर क्या पूरी बिल्डिंग में चारों तरफ से सूर्य का प्रकाश भी नहीं आता, चारों तरफ से पंखे से ही आपको कपड़े सुखाने पड़ते हैं। तो वहां तो वृक्ष नहीं लगने वाले आपके हाथों से, यहां वहां वृक्ष लगा सकते हैं। तो विकल्प क्या है प्रदूषण का, उसका समाधान क्या है? उसके समाधान की सब जड़ में जाएंगे तो हमें एकमात्र समाधान मिलेगा, वो मिलेगा यज्ञ। इसलिए कई बार हम ये प्रवाह बोल देते हैं, बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं वृक्षारोपण करो वृक्षारोपण करो वृक्षारोपण करो। मैं उनसे कहा करता हूँ ठीक है, वृक्षारोपण एक विकल्प हमारे बीच में है, ऑक्सीजन का भी है, समाज में प्रदूषण को दूर करने का भी है, वृष्टि का कारण भी यह है वृक्षारोपण, ठीक है। परंतु जहां वृक्षारोपण नहीं है वहां हम क्या करें? मेरे घर के आसपास की जो जहरीली गैस निकल रही है कारखानों से, निरंतर मेरे मलमूत्र की जो जो क्या बोलते हैं जो सीवरेज बाय लाइनें होती हैं, इनमें कितनी गंदी गैस निकलती है आप उसकी कल्पना कर पाएंगे? आप जब झाड़ू मारते हैं उससे बहुत सारे छोटे छोटे कण निकलते हैं, जिसको मैंने कहा पीएम बोलते हैं, उसके लिए हम लोग उसकी साइंस की परिभाषा में उसको बोल रहा हूं, उसको भी अगर हम थोड़ा समझ लेंगे तो वो भी एक हमारे ध्यान में आ जाएगा। स्वाति जी करना है दोनों। अब वो जो विषय है, अब मैं जो बता रहा था ये बता रहा था पीएम पीएम 2.5 पीएम और कंसंट्रेशन ऑफ पीएम 10, इन दोनों के जो लेवल हैं उसमें धूली जो कण आते हैं आप उनसे कैसे बच सकते हैं बताइए मुझे आप। इसलिए वृक्षारोपण भी प्रदूषण के निवारण का एक अंतिम और उत्तम समाधान नहीं है। जहां जहां वृक्षारोपण संभव वहां वृक्षारोपण करें, जहां जहां संभव नहीं है वहां हम क्या करें? अपने आसपास के, अपने परिवार के, अपने मकान के, अपने अंदर की, अपने बेडरूम के अंदर भी मुझे उत्तम गैस मिले, उत्तम प्रकार की जो गैसेस भरा है उसका एक उसमें निर्माण पैदा हो जाए, उसके लिए हमारे पास क्या विकल्प है, उसका हमारा उपाय क्या है? वो उपाय के लिए जब पहुंचते हैं तो केवल मात्र उपाय यज्ञ ही एक बहुत बढ़िया विकल्प हमारे बीच में निकलता है। इसलिए मैं ये कहा करता हूं जो लोग केमिस्ट्री के हैं या जो लोग और रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट आदि रूप में, जो साइंस आदि विषय है, वो उस पर अवश्य काम करें अपने स्तर पर रहते हुए कि यज्ञ के अंदर किस प्रकार का गैस, किस प्रकार का प्रदूषण को दूर करने की ताकत है, अपने अपने स्तर पर कार्य करें। बहुत सारी संस्थाओं द्वारा काम किया गया, मैं उसकी आज बात करूंगा आपके बीच, और उसको समझते हुए हम अपने व्यवहार में इस यज्ञ को कितने रूप में, किस रूप में ला सकते हैं, ये हमें एक समझने की आवश्यकता हमारे बीच में रहेगी। तो एक तो जो कई बार हम ये भ्रम पाल लेते हैं, और कई बार ये लड़के हमारे बीच में जो युवक लड़के हैं, लड़के मतलब जो पढ़ा लिखा वर्ग है, युवक आदि वर्ग है, वो हाँ कई सारे प्रश्न करें, संविधाएं कैसी होनी चाहिए बताएंगे, कोई बात चर्चा करेंगे। हम इस चर्चा को पूरे 8:15 बजे तक करेंगे और 15 मिनट के लिए हम लोग क्वेश्चन आंसर लेंगे और फिर 8:30 बजे इसको समाप्त करेंगे।
तो पहले बात तो ये जो प्रश्न हो रहा है कि अग्निहोत्र के द्वारा वायुमंडल प्रदूषण को कम करना व ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाना है, ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है। और कैसे पूरा हो रहा है? हमारे वायुमंडल में प्रदूषण का जो कारण है वो वैक्रोबोंडी ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, तीन प्रकार की जो गैसेस भरा है वो उसमें प्रदूषण का मुख्य जो कारक है मानी जा रही है। इसके अंदर ऑक्सीजन के स्तर को, वायुमंडल को शुद्ध करने की जो वैदिक विधि है वो वैदिक अग्निहोत्र है। अब ये जो प्रश्न होता है पीएम 10, जो मैंने कहा था आपको पीएम 10 की जो फुल फॉर्म है वो एक तो अब जो पीएम 10 है, पीएम 2.5 है वो उसको अगर हम थोड़ा समझ लेंगे, पार्टिकुलेट मैटर जो पीएम की जो फुल फॉर्म पार्टिकुलर मैटर जो 2.5 है और 2 और 10, ये जो पार्टिकुलर मैटर का जो विषय हम समझा रहा हूँ इसका अर्थ क्या हुआ? बहुत सारे कण ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई देते तो नहीं पर वो वातावरण में मौजूद रहते हैं। वो हमारे कण हमारे नासिकाओं से हमारे मुख आदि से अंदर जाते ही जाते रहते हैं और बहुत सारे धूल है, गर्दा है, मिट्टी कण होते हैं जिससे कि हमारे शरीर में अंदर फेफड़े आदि हैं, श्वास की नलियां हैं, उसमें रक्त संचार का जो क्रम है उसमें हर जगह बाधा पहुंचाते हैं। अब वो जो लेवल है, वो जो पीएम का लेवल है, उसके लेवल को किस प्रकार से यज्ञ के अंदर गिरावट आती है किस प्रकार से, वो मैं आपके बीच चर्चा कर रहा हूँ। उसका सबसे पहला जो कारण ये रहा कि जो हमने यज्ञ किया, यज्ञ करने से पहले जो वहां का पीएम मान था वो 229 लेवल, जो उसमें स्तर था, उसमें यज्ञ करने से पहले स्तर था, लेवल था, वो 229 था। ड्यूरिंग यज्ञ 181 हुआ, फिर धीरे धीरे बढ़ता 170 हुआ और यज्ञ की समाप्ति के बाद में वो जो 229 लेवल था उसकी गिरावट कितनी हुई? इतनी हुई कि वो स्तर 95 लेवल पे आ गया। ये एक एजेंसी के द्वारा रिसर्च है, उस एजेंसी का नाम भी सारा आगे बात करूंगा मैं, ये सिग्मा कंपनी है, ये उसके द्वारा प्रॉपर रिसर्च किया गया कि यज्ञ से पहले वहां किस प्रकार का टेम्परेचर, किस प्रकार के वहां पर प्रदूषण कारक तत्व वहां मौजूद थे वातावरण के अंदर, और यज्ञ करने की समाप्ति के बाद में ओनली 95 स्तर तक गिरावट वहां पर आती रही, प्रदूषण का स्तर वहां कम होता गया निरंतर रूप में। अब ऐसे ही एक कंपनी सिग्मा द्वारा फिर रिसर्च किया इसके अंदर, उसमें कहते हैं 465 जो हाई लेवल था वहां पर प्रदूषण का जो लेवल था वो 465 था और गिरावट होते 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 180। अब ये क्या हो रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ? कई की जगह प्रदूषण का स्तर कम है, ज्यादा है, हर स्तर में, हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में, हर गली मोहल्ले का जो प्रदूषण का स्तर वो नीचे ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पर एक जो स्तर है वो 465 का है, उसमें गिरावट होते होते इतनी गिरावट आई यज्ञ के बाद में और जो 180 तक मापा गया। कई जगह इसके अंदर अधिक भी हो सकता है, कई जगह इससे कम भी हो सकता है, परंतु दो हमने आंकड़े आओ बताए हैं, एक 229 का और एक 465 का। इन दोनों के आंकड़ों में निरंतर 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 सुधार की संभावना हो रही, प्रदूषण का स्तर निरंतर हमारा इसमें गिर रहा है, इसे बढ़ नहीं रहा। इसलिए एक तो ये जो हमारे मन में रहती है, अच्छा एयर क्वालिटी आउटडोर, ये चीज से पहले क्या था, ये चीज के बाद में क्या रहा, मैं आपको एक शब्द भाषा के दृष्टिकोण थोड़ा समझा दूं। हम लोग, मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ यज्ञ, हम यज्ञ बोला करें, यज्ञ नहीं बोला करें, उज्ज्या है, ग नहीं बोला करें। अक्सर बोलते हैं यज्ञशाला, विज्ञान, यज्ञ, तो प्रयोग किया करें भाषा के दृष्टिकोण से यज्ञ। तो जब हमने एयर क्वालिटी का आउटडोर का एक कंपनी रिसर्च किया, ये कंपनी थी फिक्की, तो इन्होंने जब इस पे रिसर्च किया, बैटरी लो हो रही भैया लगाओ बेटा लगाओ, तो जब इन्होंने इस पे रिसर्च किया तो वो बी4 यज्ञ जो एयर क्वालिटी थी बाहर की ओर वो 11 के स्तर पे वो एयर क्वालिटी का लेवल था। जब उन्होंने यज्ञ को प्रारंभ करने से पूर्व, परंतु ड्यूरिंग यज्ञ वो जो 11 स्तर था, 11 लेवल था, उस लेवल से गिरावट होते होते केवल 4 पे आ गए, 4 लेवल आ गया और आफ्टर यज्ञ वहां पर 0% मतलब मन ओनली 1
एक लेवल का वहां पर प्रदूषण रहा। ये एक सामान्य चिंतन बता रहा हूं, उस प्रकार के साइंटिस्ट जो उसमें काम कर रहे हैं वो जो कंपनी नाम है NSR। तो ये जो दिल्ली कंपनी हमारे बीच में थी, उन्होंने जब इस पर रिसर्च किया, सरकार का जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने जब इस पर रिसर्च किया, तो उन्होंने भी ये पाया है इसके अंदर कि मुख्य रूप से कि इसमें जो समझ में आया है कि बिफोर ईयर जो वहां पर लेवल था एयर क्वालिटी का वो 11 था, ड्यूरिंग यज्ञ 4 रहा और आफ्टर यज्ञ 1 रहा। ऐसी एक कंपनी और चेक कीजिए, वहां पर एक एयर क्वालिटी आउटडोर, जैसे मैंने कहली भी कहा था कि हर जगह एयर क्वालिटी का जो लेवल है नीचा भी है, अधिक भी है, कम भी, ज्यादा, वो हम सब परिचित हैं। दिल्ली में जाएंगे तो वहां एयर क्वालिटी में बहुत डाउन गिरावट आ जाएगी, अगर आप इधर हरियाणा हिमाचल में जाएंगे तो वहां थोड़ा अच्छा स्तर हो जाएगा। तो एक जगह क्या रहा जो नापा गया, तो वहां पर 696 लेवल था वहां पर प्रदूषण का बिफोर यज्ञ, यज्ञ करने से पहले। ड्यूरिंग यज्ञ वही 696 का लेवल 450 और आफ्टर यज्ञ 410। अब यहाँ काफी कम हमें डिफरेंस मालूम पड़ रहा है, यहाँ पर काफी 11 था, 4 था, 1 था एक जगह पर। जो दूसरी जगह इस पर रिसर्च किया गया तो यहाँ 430 ड्यूरिंग यज्ञ हो गया और 410 आफ्टर यज्ञ, मतलब बहुत बड़ा हमें परिवर्तन नहीं, मतलब क्या हुआ कि वहां पर बहुत विकट प्रदूषण है। तो ऐसी जगह पर निरंतर यज्ञ करने की आवश्यकता, निरंतर, एक दिन नहीं, एक घंटा नहीं, निरंतर प्रातः व सायंकाल यज्ञ करने की यहाँ बात कह रहे हैं। अब इसको जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ करेंगे, वाटर सैंपल, पानी में किस प्रकार का इसमें प्रदूषण दूर करता है यज्ञ, एक ये भी इसमें रिसर्च हुआ है। एक भी सिग्मा कंपनी हमारे बीच में है, भारत सरकार के द्वारा एजेंसी है, उन्होंने रिसर्च किया इसके ऊपर। टैप वाटर सैंपल जो था बिफोर यज्ञ 35 लेवल था पानी के प्रदूषण का, परंतु जब यज्ञ कर दिया गया तो वो स्तर गिरते गिरते प्रदूषण का केवल 22 रहा। इतनी बड़ी गिरावट, इतनी बड़ी गिरावट आप ये देख रहे हैं यज्ञ के अंदर, मतलब वाटर प्यूरिफाई, हम पानी को भी किस प्रकार से एक प्रदूषण से मुक्त कर सकते हैं, या पानी में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। इसलिए जो हम लोग कई बार ये एक्वा वाटर लगाते हैं, ये खासकर वहां लगाते हैं जहां पर घनी आबादी होती, लगभग जहाँ बहुत सारे नीचे सीवरेज भरा होते, तो वहाँ संभावना होती कई बार कि पानी गंदा ना आ जाए हमारे शरीर के अंदर, इसलिए वहाँ वाटर प्यूरिफाई का, एक्वा वाटर का प्रयोग करते हैं। वो कहाँ तक सही है मैं इस पर नहीं टिप्पणी करूंगा मैं, क्योंकि ये मेरा विषय नहीं है, परंतु ये यज्ञ के अंदर वाटर प्यूरिफिकेशन कैसे हो रहा है, भाई वहाँ यज्ञ होगा तो बारिश होगी और उस बारिश से उस प्रकार का कितना प्योरिटी वहाँ यज्ञ के अंदर आएगी, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। तो जो एक जगह इसका रिसर्च किया 1135 था लेवल उसका पानी का प्योरिटी का, और आफ्टर यज्ञ वहां पर 22 केवल रहा। एक कंपनी और बात कर लेते हैं, एयर क्वालिटी इंडोर, अब ये था आउटडोर, इधर इंडोर, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल वहां पर क्या था बिफोर यज्ञ 1280 1280 लेवल वहां पर था कार्बन डाइऑक्साइड का। आप ड्यूरिंग यज्ञ 677 केवल आधा रह गया, देखिए आप, और आफ्टर यज्ञ 471। आप इस पे अपने अंदर इसको लिखिए, आप जो बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, जो टीचर्स यहाँ मेरे जुड़े हुए हैं, इसके अंदर बहुत सारे लोग, इसमें बहुत पढ़े लिखे लोग जुड़े हुए हैं इसके अंदर, वो इसको लिखे मेरी बातों को। लिखने के बाद में आपके जो आसपास में साइंटिस्ट के लोग हैं, साइंस के लोग हैं, जो वहां पर लेबोरेटरीज वगैरह हमारे पास में है, उनके पास बैठ के इस रिसर्च को बताइए, इस आंकड़े को बताइए, उनसे पूरी गंभीरता पूर्वक इस बात को जोड़ दें। अगर डाउट भी हो रहा हो, कई बार हम साइंस के लोग हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, और लकड़ी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ये है वो है, वो हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। परंतु जो लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े विद्यार्थी हमारे समझदार बैठे हुए हैं, वो इसको लिखें अपने कॉपी के अंदर, और जहां जहां डाउट है उसको अपने स्तर पर भी लेबोरेटरीज में जो साइंस के जानकार हैं उनके बीच में इसकी बात करें, चर्चा का माहौल बनाए, एक सार्थक चर्चा हमारी यज्ञ के बीच में समाज के अंदर पैदा हो। और जो लोग इंटेलेक्चुअल हैं, जो बहुत समझदार हैं, ब्रिलियंट हैं, माइंडेड हैं,
और रिसर्च करते उनके बीच में ये चर्चा रिसर्च की होनी चाहिए। ये आवाज किसकी आ रही है? मैं माफी चाहूँ, कुछ कह रहे थे क्या? चल एनीवे, तो मैं जो एयर क्वालिटी इंडोर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थी, लेवल था बिफोर एज वो 1280 था, ड्यूरिंग एज 677 हो गया, आफ्टर एज 471। अब ये प्रश्न आपका हो सकता है कि 471 हो गया तो मतलब इससे नीचे कम नहीं हुआ क्या क्वालिटी? हो सकती है, पर वहां पर निरंतर एज करने की आवश्यकता है। वहां पर बारिश से पहले अगर निरंतर वहां एज होता रहे तो वहां के उस एरिया के पानी की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होगी। अगर वर्षा से पहले वृष्टि की सामग्री होती है, जिसे हम मुख्य रूप में बोलता हूँ कई बार में वृष्टि जो करते हैं बारिश के लिए, उसमें हम काले माटी दाल आउट डालते हैं, काले तिल आदि होते हैं, ऐसी विशेष सामग्री हमारी वृष्टि के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये जो मैंने बात की एयर क्वालिटी इंडोर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसका बिफोर एज 1280, ड्यूरिंग एज 677 लेवल था और आफ्टर एज 471। अब इसमें हम बात करें तो PM 2.5 PM 10 व कार्बन डाइऑक्साइड वैज्ञानिक विधि से किए गए ये जो अनुसंधान में पाया गया कि वातावरण में यज्ञ से पहले और यज्ञ के बाद किए गए टेस्ट के अनुसार अभिकण पर्टिकुलेट मैटर PM 2.5 PM 10 व कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में भारी कमी आई। Therefore, on the basis of the lab study, it is concluded that the Yajj home is found to be very effective in reducing the pollution in the atmosphere. वातावरण के अंदर इस प्रकार के प्रदूषण को दूर करने के लिए ये जो यज्ञ की व्यवस्था है बहुत उत्तम है, बहुत उत्तम है। अच्छा हम एक बात सरो एक मिनट कल्पना हम कर भी लेते हैं इस प्रकार से, मैं जो बात बोल रहा हूँ उसके अंदर एक बात ये भी है यहाँ पर कि अगर नहीं भी है, सपोज कल्पना बहुत सारी इसमें कोई कमी कह सकते हैं आप लोग, इसका उपाय क्या और उपाय हमारे पास क्या है? प्रदूषण को दूर करने का और उपाय क्या है? वृक्षारोपण हम कर नहीं सकते शहरों के अंदर? वृक्षारोपण अपनी गलियों में कर नहीं सकते हैं? रोड बढ़ रहे हैं, हमारी डिमांड बढ़ रही है, बिल्डिंगें बन रही हैं, तो उसका और हमारे पास समाधान क्या है? तो उसका एक जो सबसे बड़ा विकल्प है, इट इज अ बिग ऑप्शन फॉर अस परफॉर्म यज्ञ, इट इज अ बिग ऑप्शन, ये बहुत बड़ा विकल्प हमारे समाज के बीच में है। पर हाँ, ये मानसिकता निकालनी पड़े कई बार यज्ञ के अंदर भी, कहते हैं ये तो ये जो आर्य समाजों का है ये भी बड़ी बीमारी है, ये जो तो भारतीयों का है, ये जो हिंदुओं का, नहीं, ये भी एक मानसिकता से उठ करके हमें यज्ञ के ऊपर एक समाज में जनमानस में चेतना फैलाने की आवश्यकता है। हम तेजी से आगे इसको बढ़ते हैं, इसको हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसको। एयर सैंपल बैक्टीरियल काउंट, इसमें एक अलग रिसर्च किया गया जिसमें बिफोर यज्ञ 230 लेवल वहां पर था और ड्यूरिंग यज्ञ 140 हो गया और आफ्टर यज्ञ 110 बैक्टीरियल काउंट जो काउंटिंग हो रही है उसमें कितनी गिरावट आ रही है एयर की क्वालिटी के अंदर, ये भी यहाँ पर है और ये भी है एयर सैंपल फंगल काउंट। ये हम देखते हैं ना कई बार वायु के अंदर किस प्रकार की वो निकल जाती हैं, तो वहां बता रहा है कि 60 था यहाँ पर बिफोर यज्ञ, ड्यूरिंग यज्ञ 20 हो गया, आफ्टर यज्ञ 10% रहेगा। सीवेज वाटर कैलिफॉर्म सैंपल, सीवेज वाटर ई कोली सैंपल, ये बहुत सारे यहाँ पर रिसर्च यहाँ पर हमारे देश में बहुत सारी कंपनियों के द्वारा किए गए हैं। सिग्मा कंपनी है, टेस्ट रिसर्च सेंटर दिल्ली में है, लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट उन्होंने यज्ञ पे उन्होंने किया है। ऐसे ITRI है, इनोवेशन लंदन की कंपनी है, उन्होंने यज्ञ के ऊपर रिसर्च किया है। फिक्की है इसके अंदर, रिसर्च एनालिसिस सेंटर फॉर न्यू दिल्ली। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसको, थोड़ा सा और चर्चा करेंगे इसके अंदर हम, फिर हम इसको आगे ध्यान देंगे। इसमें आप ध्यान देंगे अग्नि का गुण क्या है। अब कई बार ये भ्रम पैदा कर लेते हैं, मैं एक बार कहीं किसी एक मैं क्या कह दूं गुरुद्वारे में था मैं कई बार, तो वहां मेरी वेशभूषा को देख के आप तो पंडित जी हैं, मैं कहता हूँ पंडित तो वैसे नहीं, जब बोलो तुम तो नहीं बोलिए पंडित कोई बात नहीं बोलो, नहीं आप तो ये चीज करते हैं, मैं हाँ ये चीज करते हैं। अरे भाई अगर आप इतना घी वहां जलाते हैं,
अगर वो घी जलाया हुआ किसी को खिलाओ तो कम से कम कोई दुआ देगा। अब इन मूर्खों को पता नहीं है तो इसमें दोष यज्ञ का है क्या? अरे भाई यज्ञ में डालने पर कोई पदार्थ नष्ट नहीं होता, अग्नि का गुण है, अग्नि में डालने से कोई पदार्थ नष्ट नहीं हो जाता बल्कि रूपांतरित होता है, उसके स्वरूप में बदलाव आता है, ठोस या द्रव रूप, ये बड़ा ठोस पदार्थ है या तरल पदार्थ घी है वो तरल पदार्थ माना जाएगा और जो ठोस है वो सामग्री है। दो द्रव या गैस में बदल जाता है, एक व्यक्ति दो चार मिर्च आराम से खा सकता है परंतु दो चार मिर्च अग्नि पर जलने पर बुरी तरह छींकने पर सबको मजबूर कर देती है। भाई दो मिर्च जो अकेले व्यक्ति खा रहा था उसका प्रभाव केवल अकेले उसी व्यक्ति को हो रहा था जो मिर्च को खा रहा था, परंतु उसी लाल मिर्च को अग्नि में डालने पर पूरे परिवार के पूरे आसपास के लोगों को छींकने पर खांसने पर मजबूत कर दिया। इसका अर्थ क्या हुआ कि अग्नि में डाली गई मिर्च नष्ट नहीं हुई अपितु रूपांतरित हो गए, उसके स्वरूप में बदलाव आ गया। इसलिए खाया हुआ 50 ग्राम या 100 ग्राम घृत घी एक ही मनुष्य के लाभकारी होता है, किंतु वही घृत यज्ञीय प्रक्रिया से यज्ञ की प्रक्रिया से सूक्ष्म माइक्रो सूक्ष्माति सूक्ष्म हो करके अनंत गुणा शक्तिशाली बन करके हजारों मनुष्यों पशु पक्षियों के लिए भी लाभकारी बन जाता है। अब एक विषय है, कई बार कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं हम लोग, अब उसके बारे में थोड़ी सी बात कर दूं। आप सब जुड़े रहे, 91 लोग हैं, 91 के 91 रहेंगे अंतिम समय तक, कोई गायब नहीं हुआ यहाँ से। अब जो अगला जो विषय हम थोड़ा करेंगे वो तो यही था। हाँ अब एक बहुत बड़े विषय है समझा रहा, हवन कुंड का प्रकार। क्या बात, हवन कुंड की जो शेप है, जो उसकी शेप बनेगी वो किस प्रकार की होगी? वो होगी पिरामिड की तरह, जैसा पिरामिड होता है उसका अपोजिट, उसका उल्टा दूसरा भाग नीचे होता है, पिरामिड की तरह उस हवन कुंड का स्वरूप होना चाहिए। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ये जो पिरामिड की टाइप का शेप का जो हवन कुंड है, जो नीचे से यूं होगा और धीरे धीरे यूं जाएगा, आप ध्यान दे, मेरे हाथों पर ध्यान दीजिए, मेरे दृष्टि पर, ये था हमारा और धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ये पिरामिड के स्वरूप का है। और ये पिरामिड के स्वरूप का हवन कुंड केवल दो पदार्थों का होना चाहिए, एक पदार्थ कॉपर है और दूसरा पदार्थ सोना है। तो मुझे लगता है कि मेरे पास में ऐसा तो कोई भी नहीं बैठे हुए यहाँ पर जो शायद सोने का हवन कुंड प्रयोग कर सकते हो, पर कर भी सकते हो, कई लोग हों क्या पता, भाई हमारे पास ऐसे लोग होने भी चाहिए, मतलब रिचेस्ट धनपति गजब के धनों के पास में हो, संपत्ति हो। तो दो प्रकार के हवन कुंड की बात कर रहे हैं, सोने की हवन कुंड की बात, जो धातु जितनी पतली होगी उसमें अधिक यज्ञ करने का उतना बड़ा लाभ होगा। अरे भाई सोने के पात्र में आप जलता हुआ घी डाली जलती अग्नि में, एकदम पूरे ब्रह्मांड में पूरे सम्मान फैल जाएगा वायु के अंदर। वही घी डाली आप जलती हुई अग्नि में कोपर के हवन कुंड में, थोड़ा सा उसकी स्पीड कम रहेगी, अगर वो डाली आप लोहे में तो और कम रहेगी। इसलिए मिट्टी का हवन कुंड अथवा कोपर तांबा का हवन कुंड या फिर सोने आदि धातुओं का हवन कुंड होना चाहिए, और उस हवन कुंड की शेप इस प्रकार से होनी चाहिए। तो क्या कहा मैंने, आई रिपीट अगेन वंस अगेन, यू लिसन वेरी केयरफुली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ता है। वाह ये बात है, जो पिंड में है, पिंड मींस इस शरीर में, ह्यूमन बॉडी, वी आर सेइंग इन संस्कृत लैंग्वेज दिस अ ह्यूमन बॉडी इज अ पिंड, और जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में। क्या बात है, जैसे शरीर जड़ तो है, जैसे जड़ शरीर में चेतनता है, रिएक्शन कर रहे हैं,
पर वो रिएक्शन कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये कोई नहीं जानता है। फिर भी ये ह्यूमन बॉडी रिएक्शन करती है। वैसे ही ब्रह्मांड दिखाई देते हुए है तो जड़, परंतु उसमें चेतना भी है। क्या बात, जैसे शरीर है तो जड़, मरने का क्या करते हैं भाई, उठाओ फेंको, तुरंत फेंको। बड़े से बड़ी पत्नी हो, पति हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, जो कहते नहीं आई लव यू चिल्लाते रहते हैं पूरी जिंदगी भर, अगर उनका गलती से कोई पति पत्नी मर जाए तो 12 घंटे उठो, उठा के बाहर निकालो। क्यों? शरीर जड़ है, चेतनता बाहर निकलते ही उस जड़ के अंदर जो गिरावट, उसी प्रकार से जो ब्रह्मांड है वो विषय अलग हो जाएगा थोड़ा सा, इसलिए मैं इसको यही छोड़ता हूं। मैं जो उसने कहा विषय हवन कुंड का प्रकार, हवन कुंड से क्या होगा, ब्रह्मांडी ऊर्जा से जोड़ता है। जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो हमारे प्राणों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है। प्राण अर्थात नासिका, क्या नासिका, जो नासिका से जो श्वास को ले और छोड़ रहे हैं, इसी का नाम प्राण है। इसलिए बोलते हैं ओम भू, भू का अर्थ है गिवर ऑफ ब्लिस, नहीं गिवर ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ श्वासों को देने वाला। He is the give God, giver of breath, सांसों को देने वाला। अब दुख ने से क्या कहा, भुवा का अर्थ क्या कहा, रिमूव ऑफ ट्रबल्स, इज द रिमूवर ऑफ ट्रबल्स, एफ्लिक्शंस, वो हमारी वेदनाओं को दूर करने वाला है, भुवा का अर्थ हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो मैंने कहा ब्रह्मांडी ऊर्जा छोड़ता, अर्थात क्या हुआ, इस प्रकार से हवन कुंड का जो पिरामिड के आकार का है, उस पिरामिड के आकार के हवन कुंड में यज्ञ करने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हमारे प्राणों के अंदर प्रवेश करता है, अर्थात ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। कोपर का हवन कुंड एंटी बैक्टीरियल कैपेबिलिटी होती है, ये बात, एक और नई बात ध्यान दीजिए, जो लोहे के हवन कुंड में नहीं होती है। इसका भी ध्यान दिया करें हम लोग, एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला, इट इज अ लेबोरेटरी ऑफ साइंस। क्या यज्ञ कुंड भी एक साइंस की लेबोरेटरी है, और इसमें चार प्रकार की क्रियाएं होती हैं। पहले दहन होता है, फिर धुआं निकलता है, प्रकाश का उत्पादन होता है, और बाद में वास्तु बनती है। इज अ फोर टाइप्स ऑफ द फोर प्रकार है इसके यज्ञ कुंड के अंदर। जब क्रिया होती है, सबसे पहले क्या होता है, दहन, उसमें चीज जलती है, लकड़ी जलती है, तो जलती थोड़ा धुआं पैदा होता है, धुआं निकलने के बाद प्रकाश, तो अग्नि जल जाती है, बड़ी अच्छी अवस्था के अंदर, और प्रकाश के बाद में उसी प्रकाश रूपी अग्नि से वाष्प निकलता है, वाष्प, और वही वाष्प जब ब्रह्मांड में ऊपर जब निकलता है, तो उस वाष्प की क्रिया से बहुत सारी, और वो जो किलोमीटर है ये भी ध्यान देने वाला है, ये ऊपर कम से कम 12 किलोमीटर तक आपके हवन कुंड की ऊंचाई ऊपर की ओर इसकी आहुति पहुंचती है। ये भी एक नापा हुआ है, तो कहने लगा रहा हूं मैं आपको 12 पॉइंट, और 85 किलोमीटर साइड्स में भाई 12 किलोमीटर ऊंचा जाएगी इसकी जो आहुति की जो वाष्प जो बनेंगे इस अग्नि से, तो इस अग्नि से बने हुए जो वाष्प है वो 12 किलोमीटर हमारे ऊपर जाएंगे, और 85 किलोमीटर लंबाई में चारों दिशाओं के अंदर ये यज्ञ कुंड की जो वाष्प आदि की प्रक्रिया है, इसका जो गैसेस निकलती है वो इतने किलोमीटर तक पहुंचती हैं। हम क्यों ना एक प्रयोग किया जाए, हम और आप लोग अपने परिवारों के अंदर ये किस प्रकार का माहौल बनाए कि पूरे देश में यज्ञ का स्वरूप बन जाए, और एक बार एक समय पर यज्ञ कर ही लिया जाए मनुष्य मात्र के द्वारा, कितना बड़ा परिवर्तन। ठीक है, उसमें बहुत सारे प्रश्न होंगे, अब आगे थोड़ा पढ़ते हैं, समय हमारा बढ़ रहा है। इस प्रक्रिया में अग्नि व मंत्रों की ध्वनि का उपयोग, दो प्रकार की क्रियाएं होती है इसके अंदर, एक तो अग्नि क्रिया हो रही है, अग्नि जला रखी उसमें डाल रहे हैं जो आहुति प्रदान कर रहे हैं, परंतु एक इसमें क्रिया होती मंत्रों की, उसका भी एक अपना संपर्क है, एक सिस्टम है, उसका अपना एक बेनिफिट है। वो जो मंत्रों की शक्ति है वो कॉस्मिक एनर्जी को डेवलप करती है,
ये बात कॉस्मिक एनर्जी है, वो आपके शरीर में मंत्रों की शक्ति से होती, इसलिए मंत्रों की चांटिंग करनी चाहिए, गायत्री मंत्र चांटिंग करना चाहिए। पर अगर उस ग्रंथ के साथ साथ में अगर यज्ञ की अग्नि चल रही हो, यज्ञ का स्वरूप बन रहा हो, तो उसका आनंद अपना अलग ही हो जाता है। इसलिए कहा इस प्रक्रिया में लकड़ी के रूप में संविधाओं का हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं। लकड़ी में उपस्थित सेलुलोज, जो सेलुलोज होता है, उसपे पूर्ण दहन के लिए गाय के घी का अर्थ गाय का घी, एक यो ध्यान कर लें, हम घी का घी के रूप में बहुत सारे घी, ना बेर का नहीं, ना डालडा, ना घी मतलब गाय का घी, तो केवल गाय के घी का प्रयोग करते हैं। गाय के घी के दहन से ऑक्सीजन रिलीज होती है, थायमोल, पाइनिन, टेरिबिनोल, इथिलीन ऑक्साइड गैसें, प्रोपिलीन ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड एंड क्यूटा प्रोक्टेन गैस निकलती हैं, जो वायुमंडल के पहुंचकर यज्ञ के आसपास अरोमा सुगंध को उत्पन्न करती हैं। ये गैसें वातावरण में पहुंचकर सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणों के प्रकाश में फोटोकेमिकल रिएक्शन प्रोसेस होता है। आई रिपीट अगेन, लिसन दिस सेंटेंस वेरी केयरफुली। सूर्य की किरणों के प्रकाश में फोटोकेमिकल रिएक्शन प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया, विशेष प्रक्रिया है, और जो प्रक्रिया केवल सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यज्ञ के दौरान ही होगी, इसका निश्चित समय है। आप ये ना करें कि अंधेरा हो गया जी कर रहे हैं, कर ले, परंतु उसमें सारा कुछ होगा, परंतु फोटोकेमिकल रिएक्शन प्रोसेस नहीं होगा, और उससे यज्ञ आपका अपूर्ण हो जाएगा, और इसके कारण से भारी मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज होती है। अगर आप रात्रि करते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त समय नहीं करते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी। इसको बड़ा नोट करें, सब विद्यार्थी नोट किसी को समझें, हमारे विद्यार्थीगण भी अपने घरों में यज्ञ अवश्य करेंगे और अपने परिवार के लोगों को समझाएंगे, और जो जो लोग मिलते हैं यज्ञ के संदर्भ में प्रश्न करते हैं उनको समझाएं, फोटोकेमिकल रिएक्शन प्रोसेस होने से ही ऑक्सीजन पैदा होती है, और फोटोकेमिकल रिएक्शन प्रोसेस ओनली टू टाइम्स, मॉर्निंग एंड इवनिंग। मॉर्निंग वो हम बोलते हैं अर्ली टू बेड, अर्ली टू अराइज, सूर्योदय के समय प्रातःकाल यज्ञ की आहुति चल रही हो और उधर सूर्योदय हो रहा हो, सायंकाल यज्ञ की आहुति चल रही हो, हाँ यज्ञ की आहुति चल रही हो और उधर सूर्यास्त हो रहा हो, ये दोनों समय यज्ञ करने का निश्चित समय है। अच्छा, और मैं दोबारा का ऑक्सीजन रिलीज होने की जो प्रक्रिया है वो केवल मात्र प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश से ही संभव है, इसलिए सूर्य का प्रकाश होने का कारण ही नहीं है। इसी कारण से दीपावली की वेला में भी आधी रात में यज्ञ करने का कोई अर्थ नहीं है। हाँ वो ठीक है, हम लोग बड़े बहमी हैं, कम अपने मतलब के लिए धन आ जाए, ये आ जाए, रात को लक्ष्मी आएगी, ऐसे करने के लिए बहुत सारे अर्थ निकाल के हम रात्रि यज्ञ कर लेते हैं, परंतु अगर साइंटिफिक बेसिस से इसको चर्चा की जाए, समझा जाए, तो इसमें ध्यान देना चाहिए, उसमें फोटोकेमिकल रिएक्शन आदि नहीं होता। अच्छा ठीक हो गया, तो ये प्रक्रिया सिर्फ सूर्य के प्रकाश में ही संभव है, इसलिए भी ध्यान दिया करिए यज्ञ के समय, उसका समय का बहुत महत्व है। ये गैसें वायुमंडल में आती हैं और इस कारण कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के स्तर को कम करती है। वो जो मैंने कहा कि जो गैस निकल रही है उसके यज्ञ करने के बाद में, इन गैसों के निकलने से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के स्तर को कम करती है। और हाँ कुछ मापा है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती वो, हाँ अब एक विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार ये एक दो लोग प्रश्न कर लेते, नहीं ये जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ये है वो, ठीक है हम मानते हैं, प्रारंभ के दस मिनट में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कोई संदेह नहीं, परंतु ये ध्यान देंगे, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है पौधों की खुराक है, डाइट है, ये
जितनी हरित हमारी प्रकृति है, वृक्ष आदि वनस्पतियां हैं, उनकी डाइट है ये। इसलिए प्राचीन काल में जो यज्ञ होते थे वो जंगलों में, ये जंगल मतलब भयंकर, जहाँ वृक्षारोपण हो रहा, भयंकर जंगल हो, वहां यज्ञ होते थे। और उन यज्ञों से निकलने वाली थोड़ी 1-2% कार्बन डाइऑक्साइड वो वृक्षों की खुराक का काम करती थी। इसलिए यज्ञ कहीं पर भी किसी भी रूप के अंदर भी समाज में प्रदूषण के कार्य को नहीं करता है, अपितु बहुत बड़े स्तर के अंदर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। अब मैं आगे बढ़ूंगा, समय हमारा हो जाएगा क्योंकि आपके खाने पीने का समय हो गया है, 8-10 हो गए हैं, मेरे पास 10 मिनट का समय और है। ये जो ना 86 लोग जुड़े हैं, कई लोग छोड़ गए हैं, ये गलत बात है, बिल्कुल ये अनुशासन नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब ये कोई इन्होंने प्रश्न किया है, इनके प्रश्न दे लेंगे, बहुत सारे प्रश्न है। ठीक है, अब जो विषय हमसे महत्वपूर्ण विषय है वो COVID-19 का है। COVID-19 में हम लगातार समस्याओं को देख रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है और बहुत सारी डिमांड देश में बढ़ रही है। और मैं ये कामना भी करता हूँ जितने लोग हमारे जुड़े हैं, 87-90 लोग जुड़े हमारे बीच में और लगातार जुड़े हैं लास्ट 1 आवर से, मैं कामना करता हूँ कि आप सब लोग परिवार में सकुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। परिवार में यज्ञ को तो अवश्य कर ले, तय करे, निश्चित ही करे। कोरोना का मतलब ही नहीं किसी हालत में कि हम अपने परिवार में कोविड को लेकर के आएंगे, पर यज्ञ तो होना ही चाहिए, एक समय तो होना ही चाहिए, अंतिम बात है। इसलिए COVID-19 के इस पैनेडेमिक के अंदर ऑक्सीजन में स्तर को बढ़ाना है तो हम लोगों को यज्ञ की इस प्रक्रिया को उत्साह पूर्वक और बड़े एक योजना के साथ में हमें परिवारों में करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। ये 1-2 बातें हो गई हैं, मुझे और भी कुछ, हाँ अब ये तो बात यज्ञ के विषय बहुत सारे हैं मेरा मैटर, अभी मैं चाहूँ 2 घंटे इस पर और बोलूंगा, इतनी तैयारी मैंने कर रखी आप लोगों के लिए कि भाई कई लोग नए लोग जुड़ेंगे हमारे साथ में, उन्हें कुछ नया विषय समझ में आए, कुछ जानकारी समझ में आए। अब लोगों के प्रश्न हैं तो मैं मोबाइल को सीधा करता हूँ, लोगों के मोबाइल को एक मिनट निश्चित दिखाना, एक बार कहाँ प्रश्न कहाँ लोगों के, एक माफी चाहूंगा 2 मिनट। हाँ ठीक है, मेरे पास दूसरा फोन आ गया है, मैं अभी भी देता हूँ, एक मिनट इसको बंद करो, आवाज मौनम। चलो अब यहाँ पर ये है, इन्होंने बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किए हैं, सॉरी सर आए मोबाइल से कोई बात नहीं, और सर कोई बात नहीं, कृपया देखें। हाँ, इन्होंने कहा है कि कृपया समय बताने का कष्ट करें, समय क्या होना चाहिए। प्रातः काल का समय एक निश्चित समय है, सूर्योदय, सूर्य की प्रातः काल की जो लाल लाल जो अग्नि निकलती है उस समय प्रातः काल का उत्तम रहता है, और सायंकाल के समय भी वही लालिमा जब सूर्य में होती है उसमें यज्ञ हमारा होना चाहिए। अगला, अति उत्तम, चलो कोई बात नहीं, आचार्य बहुत सुंदर, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, ये बढ़ाई करने वाले बात यज्ञ। हाँ, प्रश्न किसने किए हैं, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, यज्ञ की संविधाएं कैसे, बहुत बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये, नमस्कार पवन जी, इन्होंने बड़ा उत्तम प्रश्न किया, मैंने पीछे छोड़ दिया, भूल गया था मैं, अब दोबारा। यज्ञ की संविधाओं के बारे में ऋषि के वाक्यों को समझेंगे तो बहुत बड़े ऋषि हमारे साइंटिस्ट हैं, क्या बात थी व्यक्तित्व की उस ऋषि दयानंद के चिंतन को, उन्होंने जो संविधाओं का प्रयोग किया है वो संविधाएं केवल वो संविधाएं है जिन संविधाओं में दूध की मात्रा होती है। आप आम को तोड़िए दूध निकलेगा, पीपल को तोड़िए दूध निकलेगा, बरगद को दूध, लगभग जिन लकड़ियों को प्रयोग, इसलिए हमारे यहाँ शीशम की सफेदा की लकड़ियों का विधान नहीं है। कई बार मैं जाता हूँ, अब तो जाना बंद कर रखा, पहले कई बार गया था मैं, तो कहते ये लो जी लकड़ी है, क्या बोलते हैं ये प्लाई की, जो प्लाई के दरवाजे बनाते हैं उन लकड़ियों का हवन कर रहे हैं, बहुत बड़ा पाप है, बहुत पाप है। इसलिए वट काइंड ऑफ हवन सामग्री, हाँ ठीक है, दैट्स अ वेट आई एम गिविंग योर मैसेज, ओके। तो जो संविधाओं का विधान है उसमें केवल संविधाएं वही होनी चाहिए
जो समिधाओं में दूध की मात्रा होती है, और जब वो दूध जलता है, आम की लकड़ी का, पीपल की, गूलर की, बरगद की, तो वो लकड़ियां विशेष प्रकार की गैस निकालती हैं। इसलिए निश्चित समिधाएं हैं। हाँ, मौसम के अनुसार कई लकड़ियों का परिवर्तन हो रहा है। जैसे अभी मौसम किसका है? गिलोय का है। आप गिलोय का हवन कीजिए, आप तुलसी के पत्ते हैं उसका हवन कीजिए। नीम की लकड़ियों का हवन नहीं करना है, नीम के पत्तों का हवन करना है। नीम के पत्तों को सुखा करके या कच्चे नीम के पत्ते का प्रयोग करके आप उस पर प्रयोग कर सकते हैं, परंतु नीम की लकड़ियों का प्रयोग नहीं करना है। ऐसे ही कई लकड़ियां हैं, उनकी लकड़ियों का प्रयोग करना है, पत्तों का प्रयोग नहीं करना। जैसे आम है, आम के पत्ते हम और प्रयोग कर लेंगे, परंतु जलाने के काम नहीं करेंगे। आम की लकड़ी का हम जलाने वाला काम करेंगे। तो ये एक व्यवस्था बनी हुई है। अभी मैं एक थोड़ा संक्षिप्त में एक दो विषय और बोल दूंगा, फिर मैं खत्म करूंगा, समय हमारा हो रहा है। एक मिनट, मेरी गेम बाय बुक्स, एक मिनट, मेरा तो बड़ा मोबाइल ही बड़ा हिल रहा है। तो एक मिनट, हाँ, जो बीमारी के दृष्टिकोण से मैं थोड़ा बता रहा हूँ, किस प्रकार की समिधाओं का या सामग्री का प्रयोग हमें हवन में कर लेना चाहिए। जैसे टाइफाइड है, तो अगर वो ये चीज कर रहे हैं, टाइफाइड के लोगों की बेरी की लकड़ी का विधान नहीं है, बेरी की लकड़ी का विशेष प्रकार के हवन आदि है उसमें नॉर्मल संभवतया उसका विधान सामान्य यज्ञों में नहीं मिलता है और नहीं करना है जी। अच्छा, टाइफाइड, टाइफाइड के इलाज के नीम है, चिरायता है, पित्त पापड़ा है, त्रिफला है, ये गोघृत सामग्री में मिला करके बाकायदा इसका प्रयोग करना। ज्वरनाशक, बुखार आदि, खासकर बुखार की समस्या बढ़ रही है, उसमें अजवाइन की धूड़ी, मतलब अजवाइन का प्रयोग उसके अंदर जलती हुई अग्नि में है, उसका विशेष ध्यान दे। अब जुकाम, सिर दर्द, मुनक्का, मुनक्का की धूड़ी, मतलब धुआं बना करके उसको घर में दें या व्यक्ति को दें। नेत्र ज्योति के लिए शहद की आग जला लें, उसमें शहद डाल दें। ऐसे मस्तिष्क के लिए शहद, सफेद चंदन, मनोविकार, कई लोग मानसिक बड़ा तनाव में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, दुखी रहते हैं, मैं बड़ा दुखी पहले रहता था, तो लोगों ने समझाया कि ऐसे मत रहा करो, तो मैंने रहना बंद कर दिया। पर इसका उपाय भी है, एक उपाय ये है, गूगल, जो हम गूगल की बात कर रहे हैं, और अपामार्ग, इन दोनों प्रकार की विशेष जड़ी बूटियों से यज्ञ करना। पर यज्ञ में घी अवश्य होगा, बिना घी के प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। जो लकड़ियों में सुलस पाया जाता है, जब तक लकड़ियों में उसको प्रॉपर दहन की क्रिया नहीं होगी, तब तक कोई क्रिया होने वाली नहीं है, इसलिए घी जरूरी है। अच्छा, मानसिक उन्माद नशक ये छोड़ो, पीलिया, देवदारू, चिरायता, नगरमोथा इस प्रकार की लकड़ियों का है। मधुमेह नाशक, माइक बंद करें, कौन है, कमलदीप सर, आगे माइक आवाज आ रही है कमलदीप सर की। मधुमेह नाशक के लिए, जिस शुगर बोलते हैं इसके लिए हम, गूगल, लोभान, जामुन वृक्ष की छाल, करेले का डंठल, संभाग, शुद्ध गोघृत सामग्री में यज्ञ करें, और यज्ञ के बाद में हम प्राणायाम करें। एक बात में और अंतिम बोल के हम इसको आगे खत्म करेंगे, समय हो रहा है। कई लोग प्रश्न करते हैं, जिनको बीपी की समस्या होती है, उनको यज्ञपुर के पास बैठाए ना बैठाए, तो उसमें थोड़ा सा मैं इसमें बता रहा हूं कि यज्ञ की समाप्ति के बाद अगर वो व्यक्ति वहां प्राणायाम करे, यज्ञ की समाप्ति के बाद, तो उसका बहुत उत्तम उसका लाभ होता है। ड्यूरिंग यज्ञ को उसको ना बैठाए, तो यज्ञ के बाद में जो वहां बन गया है, तो हमने देखा ना कि शुरू के 10 मिनट के अंदर वहां अन्य प्रकार की गैस निकल रही है, उसके 10 मिनट बाद में अन्य प्रकार की गैस निकल रही है, और यज्ञ के कंप्लीट होने की गैसेस निकल रही है, ये हमने सारी बात कर ली है। अब मुझे एक घोषणा करनी है, समय हो रहा है, शांति पार करेंगे, 84 लोग जुड़े हुए, कोई छोड़ेगा नहीं, राय समय प्रेमी जी भी हैं, और मेरे हिसाब से हमारे प्रधान जी भी जुड़े होंगे, जुड़े हुए। तो मैं अब एक दो घोषणा करने जा रहा हूं, मैं घोषणा ये करनी है, अपने जो संगठन है, अपना मतलब अपना संगठन, मेरा संगठन, मेरी भावना का संगठन, मेरी श्रद्धा का संगठन, आर्य समाज, ऋषि दयानंद के हम सब अनुयायी हैं, उनकी बातों को बढ़ाने वाले हम लोग प्रयास करते रहते हैं,
कल आर्य समाज के द्वारा पूरे विश्व के अंदर घर घर यज्ञ हर घर यज्ञ की योजना है। क्या हम सवेरे सूर्योदय के समय 9 बजे तक 10 बजे तक घर में यज्ञ कर सकते हैं? अगर यज्ञ कर सकते हैं तो एक सेल्फी हो सकती है, सेल्फी विद यज्ञ, एक सेल्फी यज्ञ के साथ परिवार के साथ में उस यज्ञ के साथ सेल्फी लेते हुए हमें भेजें। हमें ना भेजें तो सोशल मीडिया पे डालें और वहां लिखें आज मैंने घर घर यज्ञ हर घर यज्ञ की योजना के अंतर्गत हमने घर में यज्ञ किया। मैं मानूंगा 88 मेंबर्स आर देयर, दे आर वॉचिंग, दे आर लिसनिंग टू अस इन लास्ट 1 आवर। आई एम रिक्वेस्टिंग टू एवरीबडी प्लीज इसको हम गंभीरता पूर्ण लेंगे। और मानता हूँ 87 में 5-6 छोड़ भी दूं कि नास्तिक होते हैं, नहीं क्या करना है, नास्तिक हर जगह होते हैं ना, ईश्वर नहीं मानते तो ऐसे यज्ञ को नहीं मानते। अगर कुछ को छोड़ भी दिया जाए तब भी मानता हूँ कि 70-80 लोग, 50 लोग, 60 लोग निश्चय वो रोज करते, अच्छी बात है, पर कल का हमने ये अवश्य करना है और उस यज्ञ को सोशल मीडिया प्रचारित भी करना है, बताना भी है और इससे ये संदेश जाए कि कितने लोगों ने कल यज्ञ किया। ठीक है, तो एक ये सोचना है गुरुकुल करतारपुर के द्वारा, ये निवेदन है और वहां आप इस शब्द को भी लिखें गुरुकुल करतारपुर की प्रेरणा से। और एक बात और सुन लो ध्यान से, जो लोग नए हैं, जो माताएं बहने पुरुष वर्ग जुड़े हुए हैं जिनको मंत्र नहीं आते, विधि नहीं आती है और वो हमारा सहयोग चाहते हैं, तो हम बैठे बैठे ऑनलाइन के माध्यम से आधा घंटा आपका समय लेंगे। देखो घी आपके पास में होगा कोई बड़ी बात नहीं, मिल जाएगा। समिधा लकड़ी आम की मिल जाएगी, नहीं होगी तो मुझे बताइए, मैं पहुंचवा दूंगा। भाई जलंधर भाई लोग अगर है, जलंधर, कपूरथला और मेरा अपना स्थान करतारपुर, दीज आर 3 प्लेसेस, इन जगहों पे रहने वाले व्यक्ति मेरे से बात कर ले, मैं आपके घर में लकड़ी पहुंचा दूंगा। समिधा भी, समिधा लकड़ी हो गई, सामग्री भी पहुंचा दूंगा, परंतु आप यज्ञ अवश्य करें, आप यज्ञ की योजना बनाए, कोई विधि में दिक्कत हो और आप ये ना सोचें कुछ गलत हो गया तो, हम हिंदू बड़े बहुत बहमी है, कुछ गलत हो गया तो, कुछ गलत नहीं होने वाला, और गलत हो भी जाए तो उसके लिए एक सूत्र बता रहा हूं मैं आपको, महर्षि पतंजलि की भाषा में, महर्षि लिखते हैं पतंजलि, जैसे एक व्यक्ति जब कुआं खोदता है तो जो कुआं खोदते वक्त वो मिट्टी से पूरा लथपथ गंदा हो जाता है, परंतु वही व्यक्ति कुआं खोद लेने के बाद में जब पानी को प्राप्त कर लेता है तो उसी पानी से अपने आप को शुद्ध भी कर लेता है। ये बड़ा अच्छा हो, कूपो खादना उपमा है महर्षि पतंजलि की, वो कहते नहीं नहीं नहीं, इसलिए ये कोई डरा मत करें कि मंत्र गलत बोल दिए, क्रिया गलत हो गई तो कौन सा पाप हो जाए, कोई पाप नहीं होगा। हाँ, जानबूझ के जो कार्य होता है वो पाप होता है। ठीक है, तो भूपेन जी बोल रहे हैं कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग, तो भाई माफी चाहेंगे भैया, रिकॉर्डिंग तो हमने की नहीं है, अब आगे थोड़ा ध्यान देंगे और कोई, ठीक है समय हो गया है, आप सब लोग स्वस्थ रहें, मंगल रहें, और कोई निवेदन है, कोई बात है अवश्य कहें। मैं निवेदन करूंगा मेरे प्रधान जी गुरुकुल करतारपुर के आदरणीय से ध्रुव मित्तल जी हमारे बीच में हैं, तो अगर कृपया है तो कृपया अपने आप को अनम्यूट करें और हम सबके बीच में 2 शब्द रखें और फिर शांति पाठ के माध्यम से ये सत्र को समाप्त करेंगे। फेसबुक पर रिकॉर्डिंग है, हमारे सूरज आर्य जी विद्यार्थी जो है उन्होंने फेसबुक पे इसको प्रॉपर लाइव चलाया है। चलो ठीक है, बाहर से हम देख लेंगे और हम सब लोग सुन लेंगे इस चीज को। ठीक है, तो निवेदन श्री प्रधान जी हैं जुड़े हुए हों, या भरत मित्तल जी महोदय जुड़े हुए हैं, एक नेम, एक मिनट, पेज नेम क्या है सूरज जी बताइए एक बार मुझे, किसके किस पर रिकॉर्डिंग है सूरज जी बताएंगे, सूरज आर्य जी, ऑफिशियल सूरज आर्य,
ठीक है, ये सूरज आर्य हमारे विद्यार्थी, उन्होंने अपने पेज पे पूरा लाइव चलाया पूरा प्रोग्राम। हाँ, नाम जरा अपनी जो आईडी बताए सूरज जी अपने सभी लोगों के लिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में डाल देता हूँ आचार्य जी इसका। हाँ अभी डाल दें, अभी तुरंत डाल दें, आप अभी तुरंत डाल दें। आप सभी लोग टिप्पणी अवश्य कीजिए पूरे कार्यक्रम के बारे में, किस प्रकार टिप्पणी रही कार्यक्रम रहा, आप सब उस पर लिखिए अवश्य रूप से। और सर्वेश जी इसमें जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग टिप्पणी अवश्य कीजिए पूरे कार्यक्रम के बारे में, किस प्रकार टिप्पणी रही कार्यक्रम रहा। सर्वेश चड्डा जी हाँ नमस्ते, ठीक है ठीक है। तो कल की हम सब लोग योजना बनाएंगे और निश्चित ही हम सब लोग परिवार में मिल करके यज्ञ करेंगे। पूज्य माता जी को, पूज्य अपनी पत्नी को, अपनी बहनों को, अपने परिवार के सब बच्चों को अवश्य रखिए, बैठाइए, निश्चित ही बैठाइए। उनकी श्रद्धा ना हो तब भी बैठाए, प्रेम पूर्वक निवेदन करें बैठे और उनको जो बातें पूछते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, जो बातें पूछ रहे हैं हमारे विद्यार्थी गण, बालक हैं जो प्रश्न करते हैं, तो उनको ये कह के ना नकारें, ये तो मानता ही नहीं है तेरे प्रश्न, ना प्रश्न सुने, यदि समाधान करने की ताकत है समाधान करे, ना करे तो पूछे, प्रश्न का समाधान अवश्य करें। प्रश्न का समाधान नहीं करते हैं तो कई बार हमारे युवक, हमारे बच्चे हमारे से कटते हैं और वो ये कहते हैं सब ये पाखंड है, सब ये कुछ है। ठीक है, उनके प्रश्न हो सकते हैं, कोई बात नहीं, उनका अपना माइंड है, चिंतन है, परंतु वो सब पाखंड है ऐसा वो कह रहा है और हमने उसको भी उसको तूने गलत बोल दिया, ये नहीं। अपने उत्तम व्यवहार से बच्चों के साथ हम जुड़े रहे, प्रेम करते रहे, निवेदन करते रहे और आगे बढ़ते रहे। हाँ जी क्या बोलने जो दीजिए बोलिए। मैं ये निवेदन कर रहा था सर कि गाय के गोबर से जो कंडे बनते हैं ना सीधे, गाय गोबर करती है और सीधे कंडे बनते हैं जिसको कोई हाथ नहीं लगाता है, और वो छोटे छोटे कंडे टाइप तो क्या होते हैं, मतलब सूखा हुआ गोबर होता है, उसको कभी यूज कर सकते हैं क्या संविदा की जगह? करें, ठीक है, समझ आ गया मुझे। अगर कभी संविदा नहीं हो तो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है आपने, गाय के ठीक मैं बता रहा हूँ, ठीक है जगदीश जी, अच्छा प्रश्न किया आपने, इनका बिल्कुल उत्तम प्रश्न है, इसको हम लेंगे सब लोग ध्यान करेंगे। गाय के उपले का यज्ञ का अद्भुत लाभ है, अद्भुत लाभ, लकड़ियां नहीं मिल रही हैं तो गाय के उपले का भी, परंतु हाँ उनको लगाने का भी सिस्टम है, लकड़ियां कैसे लगानी है, उपले कैसे लगाने हैं हवन कुंड में, वो भी एक विज्ञान है। अगर आप ऐसी लकड़ियां में डाली जा रहे हैं तो उससे ये जैसा कोई लाभ होने वाला नहीं है। पता नहीं प्रधान जी मसल है नहीं मेरे हिसाब से, अगर है तो कृपया जुड़ जाए एक बार, अभी नहीं है, चले ठीक है, समय हो रहा है, मैं आपको 8 मिनट पहले फ्री कर रहा हूँ। नरेश जी, नरेश जी जी आचार्य जी, एक दो पंक्तियों का प्रभुभक्ति गीत अवश्य गा दें और आप सब लोग अपने माइक को बंद रखते हुए इस गीत को गुनगुनाएंगे अपने कमरे में बैठे बैठे आराम के साथ में, और वीडियो को ऑन करेंगे, वीडियो सभी ऑन करें अपनी, ये ना कई लोग ऐसे बैठे होते बिना वीडियो के कुछ कर रहे होते हैं, तो कृपया सब वीडियो ऑन करें। त्रिपाठी जी बहुत बड़े, रवि जी, नरेश जी, राज प्रेमी जी, सभी लोग वीडियो ऑन करें अपनी और नरेश जी का गीत सुनेंगे, फिर शांति पाठ और फिर आप सभी का धन्यवाद। कृपया टिप्पणी अवश्य कीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा और मैं अगले कार्यक्रम के लिए भी आपको अभी से जोड़ रहा हूँ। संडे को हम पुनः कार्यक्रम करेंगे किसी नए विषय पर और आप सब उपस्थित रहेंगे, इस कामना के साथ में पुनः अपना धन्यवाद। नरेश जी गीतम प्रारंभित हम शीघ्र। एक प्रभु भक्ति गीत अंतिम में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में,
मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे वैरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे वैरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों घेरा हो, पर चित्त नर्गमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मेरी जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, मेरी जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरी याद में आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। धन्यवाद। ओम। हमारे साथ में आप सभी लोग जुड़े हैं, आदित्य जी, अजय जी, अमन, आज वित्त आशीष जी, दीप दीपक दिवाकर, डॉक्टर रमेश जी, गौतम कुमार, हरेंद्र, श्री मंगल जी, हरलीन, अच्छा जी, ओम, माफी चाहता हूँ। हाँ जी जी, जैसे कि आपने बताया था कि समझा किस प्रकार से लगनी चाहिए या कंडे किस प्रकार से लगने चाहिए, तो थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दीजिए। अब इसको मैं कैसे बताऊँ, घर से अगर मैं इसका एक मिनट में भी प्रयास करूँ। चलिए ठीक है। अब लकड़ी कहती है, ये है एक लकड़ी, यहाँ रखी ये लकड़ी, बीच में इतना गैप हमारा होना चाहिए, जो लकड़ी अगली होगी वो इस प्रकार से लकड़ी प्रयोग करनी है, ये एक यहाँ पर, एक यहाँ बीच में गैप हो गया, फिर अगली ये, फिर ये गैप तो बीच में नहीं, ये बना ही होना चाहिए। कई बार हम ये देख लेते हैं कि सब लकड़ियाँ ले ली आपने और इकट्ठी एकदम ऐसे सब देखते हैं, वो नहीं होना चाहिए। दो पुष्पें रखी, देखिए आप ध्यान से, ये हो गया, इसके ऊपर ये होगी, अगली लकड़ी यहाँ पर हो गई, और फिर इस लकड़ी को यहाँ दिया गया, फिर बीच में गैप हो गया हमारा। अब जो लकड़ी आएगी उसके बाद में
उस लकड़ी को फिर हम यहाँ शुद्ध रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, एक ये, ये, ये। इस क्रम की आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, जो लकड़ी मोटी है उनको नीचे रखना है। एक और भी ध्यान, और ये भी ध्यान देना है, कई बार लकड़ियों की मात्रा अधिक होती है, वो ध्यान देना है। अगर आधा किलो भी है तो उसके लिए 250 अथवा आधा किलो लकड़ी अधिक नहीं होनी, आधा किलो देसी गाय को दीजिए। होता उल्टा कई बार, ये हमारा 250 ग्राम है, लकड़ी 5 किलो है, ये ठीक। जो घी का मापदंड है हम उसको समझे एक बार ध्यान से, आप ये बहुत जरूरी है। इसलिए 250 ग्राम लकड़ियां हैं तो आधा किलो घी चाहिए उसके लिए। अगर लकड़ियां फिर भी लगता है कि आपका बड़ा हवन चल रहा है, घी अधिक हो रहा है, तो लकड़ियों थोड़ा बढ़ा सकते हैं, पर ये नहीं होना चाहिए बड़ी बड़ी आग दिखाने के चक्कर में कि मेरी खूब आग जल रही है। तो बहुत ज्यादा लकड़ियों को नहीं जलाना चाहिए, उसकी मात्रा सामग्री और घृत के अनुसार ही संविधाओं की होनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। अब हम सभी लोग शांति पाठ करेंगे और आप सभी लोग अपनी टिप्पणी अवश्य कर दें इसके अंदर, और हम अगले रविवार को ही दोबारा बैठेंगे। तो हर रविवार को हम सब बैठें, मिले आपस में, इसी बहाने हालचाल पूछते रहें एक दूसरे का। इस कोरोना काल के अंदर आप सब लोग परिवारों में एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, और किसी को सहयोग की भी आवश्यकता हो तो वो भी आप प्रयास करें, उनको हिम्मत दें। लड़ाई सारी हिम्मत की है, बस अगर आप थोड़ा सा हिम्मत से कहते नहीं हम आपके साथ में हैं, चिंता नहीं करनी है, तो व्यक्ति को बड़ा हिम्मत मिल जाती है। मैंने आज सुबह दो लड़कों से बात की, यानी बच्चों से, आर्य वीरों से, तो बड़े दुखी थे। जो मैंने बात कही तो उनका दोबारा फोन आया कि गुरु जी बड़ा अच्छा लगा और हमें हिम्मत मिल गई है, हिम्मत बढ़ गई है, अब हम और आगे बढ़ेंगे, घबराएंगे नहीं। तो इस प्रकार से सुदर्शना श्रीनिवासा भवताम स्वागतम, धन्यवाद। विवेक कुमार जी, यशस्वी सचदेव जी, हमारे वेद रत्न विद्यार्थी हमारा है तेंद्र सिंह जी, स्वाति जी, सूरज जी, सनी कुमार, सुनीता जी, सिद्धत कुमार, शिवानी जी, शिवानी जी कहाँ से हैं, शिवांगी, अजय भारद्वाज, सत्येंद्र जी, सर्वेश अड्डा संस्कृति संस्कृत शिक्षण, सागर शर्मा, रवि जी, रवि चौधरी, राम सुफल जी, राजीव सयाल जी, राजकुमार मल्होत्रा जी, राहुल जी, पवन जी, सब लोग, ओंकार हिंगरे जी, नरेंद्र जी, नरेश कुमार खेमराज, हमारा आर्यवीर होशियारपुर से, खेमराज सावधान रहें। और मुझे एक वेबिनार करना है आर्यवीर दल होशियारपुर के द्वारा, खेमराज जी के माध्यम से एक वेबिनार करना है आर्यवीर दल जलंधर विभाग द्वारा, राहुल जी के माध्यम से। दोनों आर्यवीर अपना समय, अपना विषय, उसके प्रचार की योजना सब तैयारी करेंगे, योजना बनाएंगे, उत्तम व्यवस्थित तरीके से एक आयोजन करेंगे। ठीक है हेमराज जी? जी आचार्य जी, हेमराज जी सुन रहे हैं? हेमराज नमस्ते आचार्य जी। ठीक है, आप जरा योजना बनाने, बहुत बढ़िया, और अपने ध्यान रखें स्वास्थ्य का। ठीक है, तो सभी आर्यों का धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम लोग शांति पाठ करेंगे, धन्यवाद। विवेक कुमार चंडीगढ़ से बोल रहे हैं, आप सभी को धन्यवाद। ठीक है विवेक जी, धन्यवाद विवेक जी आपका भी। अथ शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। अब सभी लोग आपस में नमस्ते करेंगे।